हेलो इस भारत के चमकते हुए सितारों, मैं आपका एसवाई सर, इंडियाज नंबर वन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम मिटूज इंडिया में स्वागत करता हूँ। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनल टच रिवीजन का लेक्चर नंबर 5। फाइनल टच रिवीजन के लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में, हम कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे बनते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे रिएक्ट करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, या कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, हम ये सीखेंगे आप। चलिए देखते हैं आगे। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, जिसे आप कहते हैं ओजोनोलिसिस, एल्कीन का ओजोन से रिएक्शन कराते हैं। तो जिंक के प्रेजेंस में कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है, और जिंक नहीं होता है तो रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एल्डिहाइड नहीं बनता, एल्डिहाइड के स्थान पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और कार्बोनाइल कंपाउंड बनता। मैं आपको बता दूं यहाँ से कि कभी भी याद रखिएगा कि अगर हम किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ओजोन से रिएक्शन करा दें, ये आर आर डैश आर डबल डैश, अगर हम इसका ओजोन से रिएक्शन करा देते हैं, ओजोन H2O और जिंक लेते हैं, ओजोन H2O जिंक लेते हैं अगर हम, तो इसमें होता क्या है कि ये ओजोन इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ओजोन का एक ऑक्सीजन इधर, दूसरा ऑक्सीजन इधर, तीसरा ऑक्सीजन जो होता है ये H2O के साथ मिलके H2O2 बना देता है, लग रहा है किसी इंसान का चेहरा दिख रहा है, ओके, और ये बन जाता है, इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड O प्लस OCR R डैश R डबल डैश प्लस इसमें बनता है H2O2, फिर लास्ट में इस H2O2 का रिएक्शन इस जिंक के साथ होता है और बन जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। जिंक के स्थान पे कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, अमोनियम सल्फाइड वगैरह, है ना, इस तरह से कोई और रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ट्राइफिनाइल फास्पीन, है ना, अमोनियम सल्फाइड, इनको भी लिया जा सकता है, पर आपके एनसीईआरटी में आप क्या पाएंगे, जिंक ही लिखा हुआ पाएंगे। जो भी H2O2 को H2O में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस करता है, शांत करता है, उसको यहाँ जिंक के स्थान पे लिया जा सकता है, यही होता है रिएक्शन में। इसमें क्या हुआ, ओजोन ने पहले कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दिया, ओजोन ने लिसिस कर दिया, तो ये ओजोनोलिसिस है, और ओजोनोलिसिस के बाद जो H2O2 हुआ उसका रिडक्शन हो गया, तो इसको हम कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या नाम इसका, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फिर उसके बाद जी, अगर आपने इस रिएक्शन में जिंक नहीं लिया बाय चांस, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, याद रखिएगा किसी कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो उसके स्थान पर हाइड्रोजन रहेगा और वो एल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा, और किसी एल्कीन के कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो वहां हमें कीटोन प्राप्त होता है, तो इससे कार्बोनाइल कंपाउंड का हम फॉर्मेशन करते हैं एल्कीन से। यदि हम इस रिएक्शन में हम जिंक ना ले तो क्या होगा, इस जिंक को न ले तो आप सब जानते हैं इसमें जो H2O बनता है H2O2, इसको शांत करने वाला कोई नहीं है, और H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये H2O2 क्या करता है, ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जहां COH बॉन्ड होता है, ये COH बॉन्ड इस प्रकार से जहां भी बॉन्ड होता है ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है OH में, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो H2O2 क्या करता है, इससे हमें प्राप्त होता है H2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन, और वो नेसेंट ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ के इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता अगर हम जिंक लेंगे नहीं लेंगे तो, ओके, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कीटोन,
इस रिएक्शन में ओजोन ने कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दिया, ओजोनोलिसिस किया, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया H2O2 ने, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इस बात को याद रखना कि अगर कभी ओजोन H2O जिंक से रिएक्शन कराया जाए तो सिर्फ बॉन्ड को तोड़ देना, ऑक्सीजन को लेफ्ट और राइट दोनों कार्बन से चिपका देना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जिंक का हो जाए फाइनली, ठीक है। और यदि कभी जिंक न लिखा हो तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा H2O2 के पास जाएगा, H2O2 फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, तो एल्डिहाइड नहीं प्राप्त होता। और याद रखना, अगर किसी एल्कीन के कार्बन पर ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, ऊपर भी अगर हाइड्रोजन है नीचे भी हाइड्रोजन है, तो ऊपर भी OH आ जाएगा नीचे भी OH आ जाएगा और यह कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड CO2 और H2O में बदल जाता है। तो एल्कीन के किसी कार्बन पर अगर दो हाइड्रोजन है तो उसे टर्मिनल एल्कीन कहते हैं। ऐसा तभी होगा जब डबल बॉन्ड किनारे बनाओ। एल्कीन के किसी कार्बन पर दो हाइड्रोजन है तो वो फाइनली CO2 गैस और H2O में बदल जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन पर OH आ जाएगा और एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है इसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है और आपको बताना है। आपके एग्जाम में एक रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकता है उल्टा कि एक कंपाउंड एक्स है, उस एक्स का ओजोनोलिसिस किया हमने तो ये बना, बताओ वो रिएक्टेंट क्या हो सकता है। ये आपसे उल्टा पूछ सकता है कि एक्स कंपाउंड का ओजोन के साथ रिएक्शन कराया तो एक्स की पॉसिबिलिटी क्या है, तो इसको बनाने का क्या तरीका, कार्बन की ऑक्सीजन को निकाल दो और कार्बन को जोड़ दो, वो वापस रिएक्टेंट बन जाएंगे। या चार ऑप्शन जो दिए जाएं उनकी क्या करना, आप ओजोनोलिसिस कर लेना, जिसमें सही प्रोडक्ट बने आपका मैच करे वही आंसर करेक्ट। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ओके। इस क्वेश्चन को दिखा के हम आपको रिवाइज कर रहे हैं, तो याद रखना ओजोनोलिसिस याद रखना। अब याद रखना, जब आप ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये कार्बन तो कीटोन में कन्वर्ट हो, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड इधर आएगा, जिंक है, फिर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है पर ये जिंक लिखा है तो ये हाइड्रोजन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन रहेगा, और फिर इधर बन जाएगा साइकिल, ओके। अब नीचे की बात करूं तो नीचे वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ये तो यहाँ पर एक कार्बन कार्बन ये बॉन्ड तोड़ेंगे, या यहाँ पर एक ऑक्सीजन लेफ्ट एक ऑक्सीजन राइट, तीसरा ऑक्सीजन H2O के साथ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे वाले कार्बन से, तीसरा ऑक्सीजन H2O के साथ, यहाँ पर भी आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन लेफ्ट एक ऑक्सीजन राइट तीसरा ऑक्सीजन H2O के साथ, इसमें कुल तीन ओजोन के मॉलिक्यूल लगेंगे, ओके। और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तीन H2O2 बनेगा और बाद में H2O2 जिंक के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बना देगा, ओके। फिर यहाँ पर भी ऐसे, ये रहा प्रोडक्ट, इसमें बना ये एसीटोन, एक प्रोडक्ट है एसीटोन, दूसरा प्रोडक्ट ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तीसरा प्रोडक्ट बना आपका एसिटाल्डिहाइड। और चौथा प्रोडक्ट बनेगा नीचे फॉर्मल्डिहाइड। तो ये फॉर्मल्डिहाइड, जिनका कॉमन नेम था वो मैंने लिख दिया, बाकी आप IUPAC नेम लिखना चाहते ये बनेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कंपाउंड का हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया और हमें एक दो तीन चार कंपाउंड बने, बताओ वो क्या हो सकता है। तो चारों कंपाउंड में आप क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करके चेक कर सकते हैं, तो ये रास्ता। दूसरा, अच्छा ओजोन H2O के साथ सेम रिएक्शन कराएं, इसमें फर्क क्या पड़ेगा याद रखना,
फर्क पड़ेगा, जहां जहां हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन है यहां OH आ जाएगा, अच्छा यहां कार्बोनिल कंपाउंड जहां एल्डिहाइड है यहां पर OH आ जाएगा, यहां OH आ जाएगा और यहां OH आ जाएगा। तो बनाइए, इस केस में एक तो बन जाएगा एसीटोन, ऊपर C डबल बॉन्ड C OH कार्बोक्सिलिक एसिड, साइकिल यही है, और एक कीटोन, नेक्स्ट ये C डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C CH3 और ये H O H एसिटिक एसिड। नीचे जो कंपाउंड बनेगा ये वाला, इसमें बनेगा फॉर्मिक एसिड ये फॉर्मिक एसिड टूट जाएगा CO2 गैस प्लस H2O। तो इसके स्थान पे तो हमें CO2 गैस प्लस H2O प्राप्त होगा। तो इसमें बनेगा एक एसीटोन, एक ये साइक्लिक कंपाउंड, एक ये एसिटिक एसिड, एक CO2 और एक H2O नीचे वाले रिएक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है कि आप जानते हैं कि एक एल्कीन है, इसका नाम 1, 2, 3, 4, 5 पेंटीन, वन पेंटीन का सेलेनियम डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। तो ये एक प्रकार से आप जानते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड अगर एल्कीन है तो एल्कीन के एलाइली कार्बन का, एलाइली कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसको OH में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करेगा, SeO2 इस एल्कीन के इस पड़ोसी कार्बन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और ये बन जाएगा। फिर MnO2 जो होता है आप जानते हैं MnO2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये इट ऑक्सीडाइजेस ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH, है ना। तो ये एलाइलिक और बेंजाइलिक OH को ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा ये यहाँ से H, यहाँ से H बाहर निकलेगा या यूं इसका ऑक्सीडेशन होगा, इस 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ये बन जाएगा कंपाउंड, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन, इसमें कई सारे रिएक्शन शामिल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, आज इस वाले क्वेश्चन से, यहाँ पे जो हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं वहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और वो 99.9999% चांसेस हैं, 0.001% हमने घटा दिया, क्योंकि अगर बाई चांस ना आए तो मुझे आप गाली ना दें, पता चले कि आप वहां बैठ के मुझे गाली दे रहे हैं कि बोला था आएगा 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 नहीं आया और आप गुस्से में पेपर खराब कर दें। ओके, तो इसलिए मैं बोला 99.9999%, अदरवाइज मेरा दिल था, इच्छा था कि मैं बोलूं कि 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। चलिए, इसमें सबसे पहला रिएक्शन आपने पढ़ा है, ये कई बार पढ़ा हुआ है कि डाइल्यूट H2SO4 एंड HG+2, इसके बारे में आपने पढ़ा, डाइल्यूट H2SO4 एंड HGSO4, है ना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं HG+2, HGSO4 H2O एंड H2SO4, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1% HgSO4 H2SO4। इसमें होता क्या है आप जानते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है, इसे कहते हैं कुचेरो रिएक्शन। इसे कहते हैं कुचेरो रिएक्शन। कुछ लोगों को नया नाम मिल गया होगा, घर में कोई छोटा बच्चा अगर दिखेगा तो उसका नाम रखने के लिए कुचेरो रिएक्शन, बढ़िया नाम लिख सकते हैं, यूनिक नाम है ना। कुचेरो रिएक्शन में क्या होता है कि हम इसका रिएक्शन जब कराते हैं, एक्चुअली यहाँ पर ये जो HG+ है और ये H2SO4H+ है, ये लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं इस एल्कीन पर वाटर को जोड़ने के लिए बस। तो इसमें ये एल्काइन पे वाटर जोड़ने के लिए, और इस पे आप जानते हैं कि वाटर कहाँ जुड़ता है, OH जुड़ता है इस कार्बन पे और हाइड्रोजन जुड़ जाता है यहाँ पर, और फिर ये जो बनता है कंपाउंड ये इनॉल बनता है,
और हम जानते हैं कि इनॉल अगर कहीं बनता है तो वो अपनी आदत से मजबूर है, अपने आइसोमेरिज्म शो करेगा और अपने दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा, और उन दोनों आइसोमर में से कौन मेजर कौन माइनर ये हमें पता है। तो ये टाइटोमेरिज्म करके कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म के माध्यम से ये कीटो आइसोमर्स में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल ऐसे। ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये ऑक्सीजन का लोन पर रेजोनेंस करके यहाँ पर आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस इस एच से जुड़ जाएगा। और हम जानते हैं कि कीटो इनॉल में है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में कीटो का परसेंटेज ही ज्यादा होता है, इनॉल तो कुछ ही केसेस में ज्यादा होते हैं जहां एरोमेटिक या एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के चांसेस हो। ठीक है, तो ये मेजर आपका परसेंटेज ये बन जाए। अब इसमें पहला कंपाउंड बन गया ये ए तो बन गया। अब इसी ए को हमें बारी बारी से रिएक्शन कराना है। सबसे पहला रिएक्शन है इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन या इसे हम मिक्स ईथर भी कहते हैं, इसे मिथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं, और ये एसिटोफिनोन रिएक्शन करेगा इस डाइल्यूट NaOH के साथ। चलिए बात करते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ एसिटोफिनोन का रिएक्शन कराते हैं। एक बर्तन में हम लेते हैं एसिटोफिनोन, सबसे पहला रिएक्शन शो करते हैं। एसिटोफिनोन का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से हम करा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, एसिटोफिनोन व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH, इसमें हमने डाइल्यूट NaOH मिला दिया और ढेर सारे एसिटोफिनोन यहां पर प्रेजेंट। डाइल्यूट NaOH की आदत क्या होती है, NaOH का OH माइनस हमें पता है कि ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है, हालांकि इसकी पहली चाहत होती है कि ये इसको H+ मिल जाए, नहीं मिलता तब भी अपना दूसरा रूप जाए जो है अपनाता है। ओके, तो ये OH- एक बेस है और यहाँ पर S, यहाँ देखो गलती से CH3 लिखना चाहिए था, OH लिखा गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका भी हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका भी हाइड्रोजन एसिडिक है। इस NaOH की मुलाकात अगर मान लो इसके साथ हुई तो इसने इस एसिडिक हाइड्रोजन को चुरा लिया, और जैसे इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये चुरा लेगा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज ऐसे। ध्यान दीजिएगा, और जैसे यहां पर माइनस चार्ज आएगा ये एक्टिव हो जाएगा यहां NaOH जुड़ से, और इसी मोहल्ले में है ना जीवन बिता रहा है दूसरा एसिटोफिनोन, है ना, मंत्र जाप रहा जब तक इस पर कोई आक्रमण कोई बेस या कोई अटैक नहीं करता, और ये बेचारा भटक रहा है क्योंकि इसका हाइड्रोजन चोरी ले बेस चुरा के भाग गया अटैक कर। फिर ये क्या करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है थोड़ा सा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे घूमता रहता है पर उतना स्टेबल नहीं होता कि जितना ये स्टेबल है, एनायन तो एनायन ही होता है। फिर ये क्या करता है, ये एनायन बन के जो शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था दूसरा एसिटोफिनोन, ये उस एसिटोफिनोन पर अटैक कर जाता है, और जब उस एसिटोफिनोन पर अटैक कर जाता है तो ये बन जाता है PHCOO CH2CPH या CH3O-Na+ और ये pH। फिर ढेर सारा पानी इसमें भर, डाइल्यूट NaOH का मतलब हुआ कि ढेर सारा पानी इसमें भरा हुआ है, और OH ने यहां से हाइड्रोजन चुराया था तो पानी बना भी था, तो एक तो यहां पानी भरा भी है, तो जो पानी भरा होता है उस पानी से ये एनायन H+ चुरा लेता है और ये बन जाता है दिस कंपाउंड। फिर हमने क्या किया जी, साथ में इसे पहले देखो यहां पर डाइल्यूट NaOH लिखा गया है सिर्फ यहीं पर, तो ये गाड़ी यहीं पर रुक जाएगी, ये डाइल्यूट NaOH है, और टेम्परेचर यहाँ मेंशन होना चाहिए था रूम टेम्परेचर, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ये मैं लिख देता हूँ PHCO आगे CH2 OH CH3
NaCl2H. लेकिन अगर हम इसे हीट कर दें तो इसी में ढेर सारा NaOH उपस्थित है, और हमें पता है NaOH की प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट कर दें तो ये NaOH अभी भी इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, ये OH यहाँ से H को चुराता है, यहाँ माइनस आता है और उस माइनस से धक्का खा के ये OH बाहर भाग जाता है। इसे कहते हैं E1CV mechanism द्वारा यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH, किसका अल्फा, कीटोन का अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है प्रोडक्ट जी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एंड पी एच। ये है एल्डोल कंडेंसेशन जैसा रिएक्शन। अब ये एल्डोल नहीं, ये कीटोल है, कीटोन के साथ OH ग्रुप है, ये कीटोल है, लेकिन नाम हम इसका एल्डोल ही लेते हैं, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल। तो ये पहला एग्जांपल है एल्डोल रिएक्शन, और दूसरा एग्जांपल है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हीट दिया हो तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें हमें वाटर बाहर निकालना है। इसके लिए आपको याद रखना है कि वाटर निकालने के लिए अल्फा कार्बन, कीटोन के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH निकलेगा। तो ये कीटोन का ये अल्फा कार्बन है, या देखिए चल उड़ जा रे पंछी, ये कीटोन का अल्फा, ये बीटा, गाना गाने लग, चल उड़ जा रे पंछी। अब ये देश हुआ बेगाना, मतलब घर से आईटी जाने वाले आप, गाना गाने के समय आ गया, घर में पढ़ रहे हैं आप लोग, अब आईटी में इंट्री लेंगे, यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट। और मुझे पक्का यकीन है कि आप जा रहे हो, 100% यकीन है कि आप कोई ना कोई NIT IIIT और IT 100% आपको मिलने वाली बन चाहे ब्रांच के साथ। फाइनल टच रिवीजन वही करता है जिसका जिसके एक्सपेक्ट होता है कि हम 100% सेलेक्ट हो रहे हैं। तो 100% मुझे उम्मीद है कि आप सेलेक्ट होंगे, और अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप संदेह है कि 50% हो सभी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो गारंटी है जो मैं फाइनल टेस्ट रिवीजन करा रहा हूँ, इससे कम से कम 80% क्वेश्चन ना मिले तो आप मुझे बताओ, 80% क्वेश्चन इसी फाइनल टेस्ट रिवीजन मात्र 8-9 लेक्चर जो भी हम फाइनल टेस्ट रिवाइज करेंगे इसी में मिल जाएंगे, गारंटी आप देख लेना जी। इससे यहाँ पर हाइड्रोजन ये OH बाहर निकल जाएगा and we get pH C double bond O CH double bond C CH3 and pH। दो हजार 21 का एक एग्जाम आपका बेहतरीन जाने वाला, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब आपको करना है ये क्वेश्चन, ये मैंने कार्बोनिल कंपाउंड में ही पढ़ा रखा, बताइए ये ए तो बता दिया, ए के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि ए आपका ये कंपाउंड ए है एसिटोफिनो, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं, ये डाइल्यूट H2SO4 यहाँ जो लिखा हुआ इसको मिटा दूं तो ताकि जगह मिले आपको, आपने लिख लिया होगा, और ये रहा एसिटो PHCCH3 एंड C डबल बॉन्ड O। अब आप रिएक्शन करिए थर्ड। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन रिएक्शन को करने से पहले कि कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिखे, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दिखे, उसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन दिखे और डाइल्यूट बेस दिखे तो समझ जाओ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है और NaOH नजर आता है तो वहां पर कैनिजारो रिएक्शन के चांस है। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, होता क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है कि एक किसी एक कंपाउंड के एसिडिक हाइड्रोजन को OH निकाल लेता है, वो वाला कार्बन एक्टिवेट हो जाता है और वो दूसरे वाले के कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ जाता है। तो एक का अल्फा कार्बन और दूसरे का कार्बोनिल कार्बन जुड़ जाता है। जब भी आपको फील हो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने वाला है, व्हेन एवर यू फील दैट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो रिमेंबर दिस पॉइंट, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड, आपको पता चला कि एल्डोल रिएक्शन है तो आप दो मॉलिक्यूल जो लिखे हैं आपने, ये मैंने हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स लिख दिया, इसमें दो मॉलिक्यूल को आप लिखें हमेशा,
ये मैं अपने लेक्चर में भी बता चुका हूँ। और आपको क्या करना है जी, कि बेस जब आएगा तो किसी एक के एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा और वो दूसरे वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो आप देखिएगा कार्बोनिल कार्बन और एसिडिक इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। मैंने इस कार्बन के दोनों अल्फा कार्बन एक है, इस कार्बन के दोनों अल्फा कार्बन एक है, ये दोनों सेम कंपाउंड है। अब दोनों तरफ के अल्फा कार्बन अलग अलग हैं तो यहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होता है, क्योंकि इसका अल्फा भी हाइड्रोजन निकाल के अटैक कर सकता है, ये वाला अल्फा भी हाइड्रोजन निकाल के अटैक कर सकता है। दोनों अल्फा सेम है तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, डिफरेंट है तो डिफरेंट बनने के चांसेस है, ये बनेगा। बिल्कुल ये बना, देखो यहाँ पर ये कार्बोनिल कार्बन का ये अल्फा है, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसका नाम है कीटोल, कीटोल। अगर ये यहाँ एल्डिहाइड होता तो बोलते एल्डोल। इसको कभी भी हीट किया जाए तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से ओएच बाहर निकाल दो, ये बना अल्फा से हाइड्रोजन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो स्टार्ट करो, यहां से लिखना आर, आर लिख लिया, उसके बाद में सी एच टू, उसके बाद ये कार्बन आएगा और ये कार्बन ये डबल बॉन्ड से आपस में जुड़ेगा और इस पर एक और क्या जुड़ा है, सी एस टू आर, ये सी एस टू आर जुड़ा है और फिर ये जोड़ दो डबल बॉन्ड से, और जिससे ये जुड़ा है उस पर भी एक आर ग्रुप, फिर इसके आगे नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू आर, आर की जगह R की जगह पर अगर हाइड्रोजन हम ले लें, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो R की जगह आप हाइड्रोजन ले लो, एसीटोन बन जाए, एसीटोन का एग्जांपल। ओके, ये से कहेंगे ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये अगर रिएक्शन यहां से यहां तक हो तो बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर दो मॉलिक्यूल के मिलने से एक वाटर बाहर निकला और रिएक्शन यहीं पर रुक जाए, सिर्फ एडिशन हुआ है, तो इसको बोलेंगे एल्डोल रिएक्शन। ओके, तो एल्डोल रिएक्शन में एक का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा, दूसरे के अल्फा से बॉन्ड जुड़ेगा, तो इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अल्फा कार्बन ऑफ वन कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोनिल कार्बन ऑफ एनदर। ठीक है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, कार्बोनिल कार्बन को एच में कन्वर्ट, और अगर हीट दिया जाए तो वाटर निकाल दो, खत्म कहा।